Welcome to Online Study at QES. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका QES टेक्निकल एकेडमी में और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Online Study at QES। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लोको पायलट का CBT 1 यानी कि पेपर 1 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है और जिन स्टूडेंट्स का पेपर 1 क्वालिफाई हो गया है उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब छात्रों को यानी आप लोगों को जिन का क्वालिफाई हो गया है वो पेपर 2 की तैयारी के लिए अभी से तैयार हो जाएं, जुट जाएं, तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जो एग्जाम है पेपर 2 रेलवे का वो होने वाला है, CBT 2 होने वाला है। तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों कि पेपर 2 जो होने वाला है उसमें क्या पैटर्न रहेगा और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और आपको साथ ही पता होगा कि हमारे चैनल पर लोको पायलट पेपर 2 के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों टाइप के वीडियोस जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए, और आप उसको देख करके और अभी से जो है लोको पायलट पेपर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कि पेपर 2 में किस तरह का पैटर्न रहने वाला है इस बार। तो पेपर 2 जो है हमारा, उसमें टोटल टाइम जो रहेगा दोस्तों वो 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का टोटल टाइम, टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा वो 2.5 घंटे का पेपर रहेगा पेपर 2, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो रहेगा वो आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, और पार्ट बी जो रहेगा वो टेक्निकल रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस बार पार्ट बी यानी कि टेक्निकल पार्ट रेलवे ने लोको पायलट के पेपर में जोड़ दिया है। पहले जो एग्जाम हुआ करते थे उसमें टेक्निकल पार्ट नहीं आया करता था, केवल नॉन टेक्निकल पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार टेक्निकल पार्ट भी ऐड किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इस पार्ट ए में जो क्या आने वाला है और पार्ट बी में क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की जो ड्यूरेशन रहेगी यानी कि टाइम रहेगा, ड्यूरेशन वो कितना रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों टाइम दिया गया है 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा या हम कह सकते हैं 90 मिनट दोस्तों पार्ट ए के लिए दिए जाएंगे। सेम अगर हम इधर देखें तो इसके लिए जो ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 1 घंटा दिया जाएगा, मतलब 60 मिनट आपको इस पार्ट बी के लिए, टेक्निकल पार्ट के लिए दोस्तों दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा और पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा। तो पार्ट ए में दोस्तों मैथ से क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। करंट अफेयर के साथ एक और टॉपिक है इसमें, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये 4 टॉपिक से पार्ट ए में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। पार्ट बी की बात करें तो इसमें आपका जो टेक्निकल ट्रेड रहेगा, आपका जो टेक्निकल ट्रेड रहने वाला है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेक्निकल ट्रेड से जो भी एग्जाम ट्रेड आपने फिल की है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सब्जेक्ट से, तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट ए में दोस्तों जो होंगे वो 100 रहने वाले हैं और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके दोस्तों 75 रहने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसमें 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं टेक्निकल पार्ट में। अब बात आती है दोस्तों कि 100 क्वेश्चन यहां रहेंगे और 75 क्वेश्चन यहां रहेंगे, तो कितने नंबर पर ये हमारा पास हो जाएगा, कितने मार्क्स पर क्वालिफाई हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रेलवे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के अनुसार, जो एडवर्टाइजमेंट में दिया है रेलवे ने, उसके अनुसार जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ओबीसी और एससी के लिए ये रखा गया है 30%, ओबीसी और एससी के लिए रखा गया है 30%। उसी प्रकार आपका एसटी के लिए रखा गया है 25% और पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया है 23%, पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया है 23%। और अगर पार्ट बी की बात करें दोस्तों, अगर पार्ट बी के क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें
तो इसमें दोस्तों आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स इस पार्ट को पास करने के लिए 35% मार्क्स लाने हैं फॉर ऑल कैटेगरी, फॉर ऑल कैटेगरी, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी को नहीं दिया गया है, मतलब सभी कैटेगरी को 35% मार्क्स लाने ही लाने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि इसमें जो है वो निगेटिव मार्किंग कैसी रहेगी, निगेटिव मार्किंग जो है वो कैसी रहेगी। तो निगेटिव मार्किंग की यदि हम बात करें तो पार्ट ए में दोस्तों 1/3 की रहेगी और पार्ट बी में भी 1/3 की रहेगी, मतलब ये कि दोनों पार्ट में निगेटिव मार्किंग रहेगी वो भी 1/3 की। इसलिए आप कोशिश करिएगा एग्जाम देते समय कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्यूरेसी आप अटेम्प्ट कर पाए, मतलब सही से सही क्वेश्चन आप करें और गलत क्वेश्चन कम से कम करें या बिल्कुल ना करें, जितने हो सही सही वही क्वेश्चन आप केवल करें इसमें, ठीक है। ये हो गया निगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपका ये हो गया निगेटिव मार्किंग, ये हो गया। अब देखते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें अब सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि फाइनल मेरिट जो है लोको पायलट या टेक्नीशियन की वो कैसे बनेगी फाइनल मेरिट एग्जाम के बाद, तो हम बात कर लेते हैं यहां पर। यदि हम पार्ट ए की बात करें कि पार्ट ए में जो नॉन टेक्निकल पार्ट आने वाला है उसके हिसाब से और पार्ट बी में जो टेक्निकल पार्ट आने वाला है उसके हिसाब से किस तरह से मेरिट तैयार की जाएगी फाइनल मेरिट वो हम देख लेते हैं। तो फॉर एएलपी के लिए यदि हम बात करें, लोको पायलट के लिए यदि हम बात करें, तो जो फाइनल मेरिट में मार्क्स जोड़े जाएंगे वो पार्ट ए से जोड़े जाएंगे प्लस कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कहा जाता है दोस्तों, जिसे साइको टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो पार्ट ए प्लस कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये दोनों का कंबाइन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लोको पायलट का पेपर या टेक्नीशियन का पेपर जो भी बच्चों ने ट्रेड भरी है उसके हिसाब से पार्ट बी जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब आपके पार्ट बी के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और जैसा कि मैंने बताया क्वालिफाई कितने प्रतिशत पे होगा, तो ये 35% पे क्वालिफाई होगा, यानी आपको 35% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं पार्ट बी में इसको पास करने के लिए। 35% मार्क्स लिया ये सफिशियंट है क्योंकि पार्ट ए में आपका ये जुड़ने वाला नहीं है, यानी कि फाइनल मेरिट में आपका ये जुड़ने वाला नहीं है। सिलेक्शन जो होगा वो पार्ट ए में जितने मार्क्स आपके आएंगे वो प्लस जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, लोको पायलट के लिए बात कर रहे हैं हम, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उन दोनों को मिक्स करके फाइनल मेरिट बनेगी। अब बात आती है कि इसमें से कितना परसेंट लिया जाएगा, तो 70% मार्क्स पार्ट ए के जुड़ेंगे इसमें प्लस 30% मार्क्स जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के इसमें जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट बनाने के लिए फॉर लोको पायलट पोस्ट। अब बात कर लेते हैं यदि हम टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें, यदि हम टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन पोस्ट में केवल और केवल पार्ट ए से फाइनल मेरिट बनेगी, केवल और केवल पार्ट ए से ही फाइनल मेरिट बनेगी और 100% जो मार्क्स लिए जाएंगे वो केवल और केवल पार्ट ए से लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट बी जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो लोको पायलट हो चाहे वो टेक्नीशियन हो, दोनों ही पोस्ट के लिए पार्ट बी केवल क्वालिफाई करना है, 35% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। पार्ट ए में जितने अधिक से अधिक मार्क्स आप लाएंगे उतना ही आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि रिटन मार्क्स से, रिटन पेपर से जो मार्क्स हैं वो 70% मार्क्स लिए जाएंगे, रिटन पेपर से 70% मार्क्स लिए जाएंगे पार्ट ए से और 30% जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट से लिए जाएंगे, दोनों मिला के 100% और फिर फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाएगी लोको पायलट के लिए। टेक्नीशियन के लिए एक बार फिर बता दूं कि पार्ट ए से ही मेरिट बनेगी, बस पार्ट बी से नहीं बनेगी, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा पैटर्न कि पेपर टू में किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, कहां से आएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा और
फाइनल मेरिट यानी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाएगा रेलवे बोर्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं आपको यहां पर सजेशन देना चाहूंगा कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपको जो मेहनत करनी है वो लगभग लगभग बराबर करनी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचने लगेंगे कि पार्ट ए तो भाई मार्क्स जुड़ेंगे नहीं तो इसमें हम मेहनत ना करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि पार्ट ए में यदि आप फेल हो गए तो आपका पार्ट बी चेक नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, पार्ट बी में यदि आप फेल हो गए तो पार्ट ए आपका चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए टेक्निकल भी आपका उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना कि आपका पार्ट ए स्ट्रांग होगा। ठीक है दोस्तों, तो उतना ही इंपॉर्टेंस इसका है, उतना ही इंपॉर्टेंस इसका है। मेरी नजर में अगर हम देखें तो इसका इंपॉर्टेंस अधिक है क्योंकि इसके बिना इसका कोई वजूद नहीं है। अगर ये पास नहीं हुआ तो आप इसमें चाहे 100 में से 90 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओ, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं चेक होने वाला है। इसलिए मेरी नजर में जो है पार्ट बी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है पार्ट ए से, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट बी के लिए भी उतनी ही मेहनत करें ताकि आपका पार्ट बी अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। 35% मार्क्स आपके लेकर आए, आप ट्रेड जो भी आपने भरी है उस ट्रेड से रिलेटेड कंटेंट आप पढ़ते रहिए, जो कि हमारे चैनल पर भी अपलोड किए जा रहे हैं, आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं, अभी से तैयारी कर सकते हैं, पार्ट ए के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन सी ट्रेड एग्जाम फॉर्म में भरी है और उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। और अभी से मैं आपको बोल देता हूं, अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि टाइम कम है, केवल एक महीने का ही टाइम है आपके पास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।